हार्दिक पांड्या ने आईपीएल के 15वें सीजन में शानदार वापसी की थी और अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया था। उसके बाद आयरलैंड दौरे पर दो टी20 मैचों के दौरान उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी मिली तो उन्होंने टीम इंडिया को प्रभावित किया था, जो कि भारतीय टीम इन दिनों वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने के बाद 2 T20 मैचों के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा में पहुंच चुकी है, जो कि 6 और 7 अगस्त को दोनों टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। इस बीच एक खबर आ रही है कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है, जो कि हार्दिक पांड्या को T20 में टीम इंडिया का नियमित कप्तान बना सकता है। जब हार्दिक पांड्या को आयरलैंड के खिलाफ कप्तान बनाया गया था, तब उस दौरे पर मैचों के दौरान मुश्किल समय में शांत दिखे, जिससे सही फैसले ने टीम इंडिया को जीत दिलाई, जिससे बीसीसीआई काफी खुश है। जबकि विराट कोहली के कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट में टीम का कप्तान बनाया गया और उप कप्तानी की जिम्मेदारी के राहुल को सौंपी गई, जबकि के राहुल पिछले कुछ समय से चोटिल होने के कारण टीम से बाहर है। बोर्ड उन्हें टेस्ट में ही उप कप्तान बनाए रखना चाहता है, जबकि वनडे में फिलहाल शिखर धवन को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि बीसीसीआई एशिया कप के लिए टीम की घोषणा करते समय हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाने का ऐलान कर सकता है।